दिग्विजयनाथ एलटी कॉलेज द्वारा युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ एवं राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ स्मृति में आयोजित 7 दिवसीय व्याख्यान माला के दूसरे दिन युग पुरुष ब्रह्मलीन दिग्विजयनाथ की शैक्षिक पुनर्जागरण में भूमिका विषयक संगोष्ठी का आयोजन दिग्विजयनाथ इंटर कॉलेज के सभागार में किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर शैलेंद्र प्रताप सिंह, दिग्विजयनाथ एलटी इंटर कॉलेज की प्राचार्य प्रोफेसर सुमित्रा सिंह, डॉक्टर शिवाजी सिंह सहित कई शिक्षक व छात्र छात्राएं मौजूद रहे। व्याख्यान माला का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया, जिसके बाद वक्ताओं ने युग पुरुष ब्रह्मलीन दिग्विजयनाथ की शैक्षिक पुनर्जागरण में भूमिका विषय पर प्रकाश डाला। वक्ताओं ने कहा कि जब देश विषम परिस्थितियों से गुजर रहा था, तब महंत दिग्विजयनाथ ने युवाओं में शिक्षा की एक अलग जगाई थी। उनका मानना था कि शिक्षित युवक ही इस देश की दिशा को बदल सकता है, जिसको लेकर महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। वक्ताओं ने कहा, जो देखा गया है युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ, क्योंकि युग पुरुष जैसे हम लोग देखते हैं तो समानता मिलती है, जिस प्रकार से भगवान कृष्ण जी समय की बात हुई जन्म से लेकर कितना कष्ट झेले, वैसे ही लगता है कि महंत श्री दिग्विजयनाथ जी के साथ भी ऐसा हुआ उनका प्रश्न। लेकिन यहाँ अपने शैक्षिक पुनर्जागरण के कारण एक प्रसिद्धि मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति मंदिर में बैठ के कंगाओं में बैठ के कि किस तरीके से हम मोक्ष को प्राप्त करें। लेकिन उस मोक्ष की प्राप्ति का जो महंत अवैधनाथ जी की लालसा थी कि मोक्ष कैसे मिलेगा, तो मोक्ष मिलने का मात्र एक माध्यम चुना कि सच्ची संस्थाओं की स्थापना, जहां से शिक्षक पैदा हो, जहां से विद्यार्थी पैदा हो, जिससे पुनर्जागरण की भावना पैदा की जा सके। इस उद्देश्य से महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना हुई और जिन दो महापुरुषों के व्याख्यान माला के जो आयोजन किया गया है, इसके मुख्य अतिथि हम लोगों का सौभाग्य है। जैसे कि पाठक जी ने भी बताया, आपको जानते थे कैसे लगाव होता है विद्यार्थी और शिक्षक का, अगर देखना होता है डॉक्टर शिवाजी सिंह जी ने भी कुछ परिचय देने का प्रयास किया। अपनी संस्थाओं में अपने संस्थापकों के प्रति इस प्रकार के आयोजन क्यों करें? हमारी शिक्षा हुई है स्वतंत्र भारत में भी तमाम ऐसे संस्थाओं से हम पढ़ लिख कर यहां तक आए हैं, जहां हमें यह बताया ही नहीं गया कि अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपनी राष्ट्रीयता, अपने अभिभावकों, अपने पूर्वजों के प्रति किस प्रकार का भाव हमारे लिए होना चाहिए। कमोबेश आज हम ये कहते तो हैं कि लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति से हम बहुत आगे जा चुके हैं, लेकिन आप सभी के समक्ष ये कहते हुए मुझे कोई संकोच नहीं है कि अब भी पाश्चात्य मानसिकता से हम इस प्रकार से ग्रसित हैं कि नकारात्मकता हमारे में ज्यादा बनी रहती है और सकारात्मकता की जो मात्रा होनी चाहिए और जो हमारे
हमारे शिक्षा तंत्र से आना चाहिए, उसमें अब भी कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई। 70 वर्ष से भी ज्यादा हो गए, हमने कभी विचार किया कि आखिर स्वामी विवेकानंद जी ने क्यों कहा होगा कि जो शिक्षा हमें मिल रही है वो हमें मनुष्य नहीं बना रही है, वो हमें यंत्र बना रही है, वो हमें किसी कार्यालय का बाबू बना रही है। हमारी जो स्वतंत्र सोच और स्वतंत्र धारणा है वह बंधन में बंधती चली जा रही है और दूसरे खोपे गए विचार के माध्यम बन रहे हैं।